मुझे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अगर पार्लियामेंट में भेजा है तो क्या लगता है कि वो उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। जब बच्चे थे तो बचपन भी हमारा छीन गया, 15 साल की उम्र से जो इंसान काम कर रहा है, जब हमारी उम्र की लड़कियां जो है प्रेम पत्र लिखा करती थी तो उस टाइम पे तो हम स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। बच्चे तो ये है खूब, इनका बचपन आज तक चल रहा है, 4 साल तक चल रहा है इनका बचपन, हमारा बचपन 15 साल में भी नहीं। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपीट हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए। भारतीय अच्छे से जानते हैं कि ये एक ही बेटी है तो अपना नुकसान करके जो है देश का लाभ सोचते हैं, और कोई अपना नुकसान करके देश के लाभ नहीं सोचते हैं, सब सोचते हैं कि भी हमारा भी फायदा होना चाहिए, भी देश का फायदा हो जाए। तो कोई ये लड़की जो है अपना करियर इसने बर्बाद कर लिया, अपनी जो है सिक्योरिटी लेके ये घूमती है, इसकी आज जिंदगी खतरे में है। आज ये देश के लिए बोलती है, देश की बेटियों के लिए और देश की जो है वो सुरक्षा के लिए, टुकड़े ना हो टुकड़े गैंग के खिलाफ मैं अकेली खड़ी हुई हूँ, तो ये देश देख रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब मेरा जो मन है वो एक बच्चा बच्चा जन जन जानता है। इसीलिए चाहे जो भी मुझे विपक्ष वाले कहे, लेकिन जब मुझ पे कोई बात आती है तो सारा देश हमेशा मेरे साथ होता है, चाहे वो शिवसेना ने मेरा घर तोड़ा हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे सताया हो, या अब जो कांग्रेस वालों ने मुझे मंडी के क्या भाव है ये कहा हो, तो देखा कि देश किस तरह से मेरे साथ खड़ा हुआ। और आज मुझे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अगर पार्लियामेंट में भेजा है तो क्या लगता है कि वो उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। वो अब उन्होंने चाहे वो पप्पू हो या उसकी बहन हो, छोटे छोटे बच्चे दोनों ने पाल के रखे हैं। हम लोग जो है हम अपनी जब बच्चे थे तब बचपन भी हमारा छीन गया, 15 साल की उम्र से जो इंसान काम कर रहा है, अपना जो है करियर खुद चला रहा है, रोजी रोटी खुद कमा रहे हैं, उसको तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों को तो कॉलेज जाने का, या जब हमारी उम्र की लड़कियां जो है प्रेम पत्र लिखा करती थी तो उस टाइम पे तो हम स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिए, तो कहाँ हमारा तो बचपन हमसे छिन गया। तो बच्चे तो ये है खूब, इनका बचपन आज तक चल रहा है, 4 साल तक चल रहा है इनका बचपन, हमारा बचपन 15 साल में भी नहीं था। डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है, और ये जो है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिमाचल के ही लोगों को लूट रही है, ये जहाँ जहाँ पे कांग्रेस सरकार है वहाँ वहाँ पे इस तरह की जो है आर्थिक आपत्ति आई हुई है। तो हम देख रहे हैं, पूरा देश भी देख रहा है कि क्या हो रहा है, और ये बात सबने देखी थी इलेक्शन के टाइम पे भी कि ऊपर से ऑर्डर आता था कि अब 600 करोड़ चाहिए, अब 400 करोड़ चाहिए, अब 1000 करोड़ चाहिए, और ये पैसा जो है वहां जाता था। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपीट हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर दो दो तीन तीन महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे।